यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब कोई भी फीमेल स्टूडेंट एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाती है तो वहाँ पे एक प्रेफरेंस फॉर्म आपको ऑलरेडी दिया जाता है, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म में क्या क्या फिलअप करना है, कौन कौन सी पोस्ट एज ए फीमेल आपके लिए बेस्ट रहेगी, आज हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान कर लीजिए कि ये जो भी पोस्ट मैं बताऊंगा, ठीक है, ये जो पोस्ट रहेंगी ये रहेंगी गुड्स, पहली प्रेफरेंस गुड सिटीज में, ठीक है। और उसके साथ ही साथ इस बारे में भी रहेंगी कि मेल और फीमेल में रेशियो कितना है, मतलब डिपार्टमेंट में फीमेल ज़्यादा है या मेल ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ वर्कलोड कैसा रहेगा, ठीक, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो भी जॉब्स होती हैं आपके, जैसे मान लीजिए असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, और इसके साथ ही साथ कंट्रोल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स का या एनसीबी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये जो जॉब्स होती हैं ये बहुत ही हेक्टिक जॉब होती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, ये आप अगर आप इन ऑफिस में जाने का आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोशिश ये करिएगा कि इन प्रेफरेंस को आप सबसे नीचे ही भरें, ठीक है, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल होता है। एज ए गर्ल या एज ए लेडीज आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी जॉब में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आपका है वो ये है कि जो भी जॉब्स आपकी हैं प्रॉपर, वो आपकी एज ए फीमेल के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, फीमेल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। और ये भी जॉब जो है, ये कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है डिपार्टमेंट में, उनसे बाकायदा पूछ के और इसके साथ ही साथ जो भी एक्सपीरियंस्ड टीचर रहे हैं, ठीक है, उनसे उनके एक्सपीरियंस के थ्रू जाके ये सारी लिस्ट जो प्रिपेयर करी गई है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी वो जॉब हैं जो आपको एसएससी सीजीएल के प्रेफरेंस फॉर्म में आपको फिलअप करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 4600 ग्रेड पे की, ठीक है। 4600 जो भी आपकी होती है ग्रुप बी की, नॉन गैस्टर और नॉन गैस्टर, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एओ का फॉर्म, अगर आपने प्रेफरेंस भरी है और आपने इकोनॉमिक्स का पेपर अलग से अकाउंट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एओ के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एओ की जॉब जो होती है वो आपकी ऑफिस वर्क वाली जॉब होती है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये गेस्टेड जॉब होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपकी जो पोस्टिंग होगी वो हमेशा टीयर फर्स्ट टू टीयर टू सिटी में होगी, मतलब एक्स व वाई सिटी में ही होगी। और थर्ड आपका आता है कि प्रमोशन के चांसेस अच्छे रहते हैं, कि अगर आपको ये चाहिए कि हमें अपना कैरियर जो है और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, ठीक है, इसी में, तो आप एओ के लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एओ के लिए आपके लिए कंपलसरी यही है कि उसके लिए आपको फोर्थ पेपर आपको देना होगा, ठीक है। फिर सेकंड आती है ग्रुप बी में, नॉन गेस्टेड में, ठीक है, लेवल 7 ग्रेड पे में, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब एमईए में। अभी लास्ट वीडियो में मैंने एमईए के बारे में बताया है कि एमईए में क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, फॉरेन जाने का चांस मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको फॉरेन घूमने का शौक है, ठीक है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पोस्टिंग होती है वो एएसओ की होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सबसे इजी लाइफ स्टाइल, सबसे आप समझ लीजिए नॉन हेक्टिक, मतलब जो बहुत ही इजी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, प्लस इसके साथ साथ आपका ऑफिस वर्क रहता है और जो भी आपके ऑफिसेस रहेंगे, ठीक है, वो आपके दिल्ली में, जैसे दिल्ली में या मिनिस्ट्री है पूरा, तो वहाँ पे आपको वेल फर्निश्ड एसी ऑफिस मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि आपको केबिन भी अलॉट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप पोस्टिंग एएसओ के तौर पे आप होते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आपकी पोस्टिंग जो होगी वो हमेशा न्यू दिल्ली में ही होगी, रेल भवन में, ठीक है। और आपको इसके साथ ही साथ अलाउंसेस क्या मिलता है, मतलब बेनिफिट्स इसमें क्या मिलते हैं कि आपको फ्री एसी पासेस मिलते हैं, वो भी आपका रहता है सेकेंड एसी तक, ठीक है, सेकेंड एसी तक फ्री एसी पासेस मिलते हैं, ठीक है।
लेकिन लिमिटेड होते हैं, ईयरली में आपका 2 बार ट्रिप हो गया ऐसे करके। फिर नेक्स्ट आता है आपका सीवीसी में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपकी जो होती है, ठीक है, वो भी एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कि विजिलेंस, विजिलेंस का काम ये रहता है कि बाकी डिपार्टमेंट्स पे नज़र रखना, गवर्नमेंट जो सेक्टर के जो भी एम्प्लॉयज हैं उन पे भी, कि कहीं ना कहीं उनके पास जो भी मनी है क्या वो क्या नाम है ब्लैक मनी तो नहीं है। तो विजिलेंस का काम ये होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो विजिलेंस में भी फिलअप कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट आपका आता है AFHQ में, आर्मी फोर्स हेडक्वार्टर में। इसमें क्या रहता है, आपको बेनिफिट्स क्या रहता है कि आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, इसके साथ ही साथ आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होती है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कहीं पोस्टिंग होती है तो आपकी Tier 1 सिटीज ही होंगी, ठीक है। लेकिन आपको बाकी डिफेंस की जो भी आपकी फैसिलिटीज हैं वो आपको मिलेंगी, आपके जो भी बच्चे हैं, ठीक है, चाइल्ड्स हैं जो भी आपके, वो आपके प्रॉपर डिफेंस स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जो एज ए डिफेंस एम्प्लॉयज को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट की, ठीक है। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हो गई तो इसमें क्या आपकी जो भी पोस्टिंग रहेगी वो दिल्ली में ही रहेगी, ठीक है, या कोई भी स्टेट कैपिटल, जैसे मान लीजिए आपके अहमदाबाद पोस्टिंग हो गई, भोपाल हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज में ही आपकी पोस्टिंग होगी, ऑफिस वर्क आपका रहेगा, ठीक है। और IB में अगर आपका ऑफिस वर्क है तो बेस्ट जॉब है, आप समझ लीजिए ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज, जैसे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, और भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी हो गया। तो ऐसी कई सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, और ये जो भी पोस्टिंग होती है वो Tier 1 सिटीज मतलब एक्स सिटी में आपकी होती है, ठीक है। और आपकी पोस्टिंग क्या होगी, दिल्ली। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज की पोस्टिंग होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही होगी, ठीक है। तो आपको ये एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया, ठीक है, कि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी। नेक्स्ट आपका है कि ASO की CSS में, ठीक है। अब CSS में क्या रहता है कि सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, तो CSS का मैं आपको जो रिव्यू लिया है, CSS में क्या रहता है कि आपकी जॉब अच्छी है, आपकी एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, लेकिन थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऑफ फाइल्स वर्क ज़्यादा रहता है ये चीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है कि आपको, आप सचिवालय में पोस्टेड, तो आपको हर हर चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर आपको पॉइंट आउट करना पड़ता है हर चीज़ के बारे में, ठीक है। और पहली बात, ये आपकी जो पोस्ट है वो आपकी पोस्टिंग जो भी होती है दिल्ली में होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रमोशन क्राइटेरिया जो होता है वो CSS में बहुत अच्छा होता है। और इसमें एक और बेनिफिट्स मिलता है कि आप, और आपको हर 5 साल में आपको फर्नीचर का आपका पूरा एक्सपेंडिचर मिलता है। हर 5 साल में आपको फर्नीचर अगर आप कोई लेते हैं तो उसका आपको रिन्यूअल का पूरा पैसा मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है क्लैरिकल वर्क। क्लैरिकल क्यों लिखा गया, क्योंकि प्रॉपर आपको केबिन मिलेगा, आपको सारी फैसिलिटीज होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका काम वर्क जो होगा वो ऑफिस वर्क ही होगा, फाइल्स में ही आप लगे रहेंगे ये चीज़। फिर नेक्स्ट आती है आपकी CBDT, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो CBDT में आपको पहली बात तो CBDT आपने सुन के आपको खुद मन में आता है ये चीज़ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाकी प्रमोशन के अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहली चीज़, रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, लोग आपको एक रिस्पेक्टेड तरीके, रिस्पेक्टफुल नेचुरल से देखते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया होती है, मतलब अगर आप प्रॉपर लखनऊ के रहने वाले हो तो लखनऊ में ऑफिस है तो लखनऊ में भी पोस्टिंग होगी। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर पटना के रहने वाले हो, चेन्नई, केरल, तो वहाँ पे भी जोन वाइज पोस्टिंग रहती है, तो आपको होम टाउन के पास मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर कानपुर के हो तो कानपुर में भी ऑफिस है तो कानपुर में भी आपकी पोस्टिंग होगी, पुणे में हो पुणे में भी पोस्टिंग होगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रमोशन जो आपको होता है बहुत अच्छा रहता है चीज़। अभी तक जो ओल्ड RR के अकॉर्डिंग प्रमोशन आपका बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है CBIC। तो CBIC, हाँ, एक चीज़ और CBDT में बता दूँ कि अभी हाल ही में एक दिसंबर में आया है कि ICT जो है बंद कर दी गई है। अभी December 19 में ये अभी डिसीजन निकला है कि ICT मतलब होता है इंटर चार्ज ट्रांसफ़र जो आपका होता है वो बंद कर दिया गया है अभी कुछ समय के लिए। तो अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए किसी भी जोन, जैसे आप पोस्टेड है चेन्नई जोन में, अगर आपको लखनऊ में ट्रांसफ़र लेना है तो अभी मुश्किल है, लेकिन स्पाउस बेसिस पे आपका हो जाएगा लोन बेसिस के अकॉर्डिंग,
थोड़ा सा वो ट्रिपल पड़ता है बट लेकिन हो जाएगा। तो अभी कुछ समय के लिए ICT भी बंद कर दी गई है, ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे CBIC की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें क्या रहता है कि आपका आपको बाकायदा एक प्रॉपर यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है, इसके साथ ही साथ 3-स्टार यूनिफॉर्म रहती है, इसके साथ ही साथ आपकी फील्ड जॉब रहती है, ठीक है, हालांकि अब ज़्यादा फील्ड जॉब नहीं है, मोस्टली ऑफिस वर्क ही रहता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, टाइमली प्रमोशन, इसमें भी एक चांसेस है आपको घर के पास मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक है कि ICT यहाँ पर काफ़ी पहले बंद हो चुकी है, तो अगर आप किसी भी जोन में पोस्टेड हो गए तो लाइफ टाइम आपको वहीं पर ही रहना होगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ED में क्या रहता है कि आपका, जैसे कि आप अभी सुन रहे होंगे रिया चक्रवर्ती केस में ED ने ये किया, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी लेटेस्ट न्यूज़ आज की है कि जैसे अभी हैदराबाद में अभी ED ने क्या नाम है पकड़ा है पैसा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे AEO की भी पोस्टिंग होती है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ED में, ठीक है, और ED की भी जो भी पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया होती है, ठीक है। तो हो सकता है जैसे आप नॉर्थ में हो तो जालंधर चंडीगढ़ ऐसे मिल सकता है, और कोस्टल एरियाज में भी हो सकती हैं। प्रमोशन जो क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पे अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो पहली बात, प्रिवेंटिव ऑफिसर की जितनी भी मोस्टली पोस्टिंग होती है वो होती है कोस्टल एरियाज में, क्यों? क्योंकि सी पोर्ट में होती है तो एयरपोर्ट में होगी, अगर सी पोर्ट है तो आपकी पोस्टिंग हमेशा ही कोस्टल एरियाज में रहेगी, और ये फील्ड जॉब होती है, प्रमोशन चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, और ये क्या होती है यूनिफॉर्म, मतलब आप इसमें वाइट यूनिफॉर्म होती है जैसे नेवी में होती है वैसे ही यहाँ पर वाइट यूनिफॉर्म होती है, प्लस इसके साथ ही साथ आपके जो भी शोल्डर पे एक अशोक का चिन्ह होता है जो एक ऑफिसर लुक में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जामिनर। तो एग्जामिनर में मैं आपको सबसे पहले चीज़ बता दूं कि इसमें जो भी प्रमोशन जो भी रहता है वो इक्विवेलेंट रहता है CBDT के, ठीक है, अभी तक। और इसके साथ साथ एग्जामिनर में आपकी जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो पहले दिन से ही आपको प्रॉपर अथॉरिटी मिल जाती है हर चीज़ की। इसके साथ साथ कोस्टल एरियाज में आपकी पोस्टिंग होती है और ये क्या रहती है फील्ड जॉब रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके आगे बात करने चाह रहे हैं कि असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज। अभी मैंने बताया था असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन यहाँ पे जो असिस्टेंट इन अदर मिनिस्ट्रीज है वो है 4200 ग्रेड पे की जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी भर सकते हो, क्यों? क्योंकि इनमें जो पोस्टिंग होती है वो टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड सिटीज में होती है। फिर आपका आता है डिविजनल अकाउंटेंट का, जो कि मैं अभी वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में कि कैसे क्या पूरा आपकी वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, वो आप वीडियो आप ऊपर लिंक में है, आप जाके देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो आप डिविजनल अकाउंटेंट भी आप भर सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस में भी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट भी भर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप NIA में SI की भी पोस्ट भर सकते हैं 4200, लेकिन उसके लिए आपका फिजिकल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कारण है कि अगर NIA की बात आ गई तो आपकी ये मोस्टली जॉब होगी फील्ड जॉब, ठीक है, और लेकिन हेक्टिक वर्क आपका बहुत रहेगा। ये चीज़ जरूरी नहीं कि आप टाइमली होम घर आ पाएँ, आपका हो सकता है नाइट ड्यूटी भी लग जाए, तो काफ़ी हेक्टिक वर्क रहता है, ये फीमेल बहुत हेक्टिक वर्क है, ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर CBI में, तो CBI में आपकी SI की पोस्टिंग है तो CBI में थोड़ा सा आपको वर्क हेक्टिक है, प्रेशर बहुत रहता है इसके साथ ही साथ, पर लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट्स रहता है। पहली बात, मोस्टली जितनी भी पोस्टिंग रहेगी वो आपकी Tier 1 और Tier 2 सिटीज में होती है, मोस्टली पोस्टिंग कैपिटल में होती है, जो भी स्टेट की कैपिटल्स होती है वहाँ पे होती है। इसके साथ ही साथ हेक्टिक जॉब होती है, आपकी नाइट ड्यूटी लग सकती है, किसी भी टाइम आपको आप मतलब बुला सकते हैं और आपको आना ही होगा। इसके साथ ही साथ फील्ड जॉब भी रहती है, काफ़ी रिस्क भी रहता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, हेक्टिक होती है लेकिन रेप्यूटेड होती है, और इसके साथ ही साथ आपको 13 मंथ की सैलरी मिलती है जो भी आपका ग्रेड पे होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेशल एक वो मिलता है आपको अलग से, जिससे आपकी सैलरी बाकी जो भी आपकी जॉब्स होती हैं उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया CBI के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं नारकोटिस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिस में, ठीक है, यहाँ पे इंस्पेक्टर। तो इसमें भी आपका क्या रहता है कि फील्ड जॉब
ठीक है, ऑल इंडिया पोस्टिंग और हेल्थ रहती हैं, ठीक है। फिर आपका आता है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का, तो इसके लिए आपको थर्ड एक पेपर होता है, ठीक है, जो कि होता है स्टेटिस्टिकल का, वो आपको देख के आपको निकालना होता है, ठीक है। तो ये भी जॉब जो है 4200 की होती है, इसमें आपकी पोस्टिंग HAGSO होती है, और ये जॉब होती है, ये फील्ड जॉब होती है, इसमें आपको हर जगह जाके डाटा कलेक्ट करके आपको ऊपर भेजना होता है, ठीक है। और मोस्टली पोस्टिंग जो आपको मिलेगी ये मोस्टली आपको नॉर्थ में मिल जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आके, ये तो अभी मैंने बता दिया इंटरव्यू पोस्ट, इंटरव्यू क्या 4600 और 4200 पोस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 2800 और 2400 पोस्ट के बारे में, ठीक है, मतलब जो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है ऑडिटर में, ऑडिटर में आपका क्या रहता है कि आपकी पोस्टिंग जो होगी वो दिल्ली में होगी या स्टेट कैपिटल में होती है, ठीक है, या Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में ऑफिस जॉब रहती है, ग्रेड पे 2800। नेक्स्ट आपका आता है कैग में ऑडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे CGDA में ऑडिटर था, यहाँ पे किस में, कैग में, ठीक है। इसमें भी सेम ऑफिस जॉब, पोस्टिंग इन दिल्ली और कैपिटल सिटीज में, 2800 ग्रेड पे। फिर आपका आता है ऑडिटर इन CGA एंड अदर्स, ठीक है, क्योंकि कई अदर डिपार्टमेंट्स में भी ऑडिटर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, ऑफिस जॉब होती है, पोस्टिंग दिल्ली में होती है, स्टेट कैपिटल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट कैग में, ये भी आपकी 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, और मोस्टली पोस्टिंग जो होती है वो आपकी दिल्ली में ही होती है, किसी और स्टेट में ही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट का, ठीक है, इसमें भी आपकी सेम प्रोसीजर जैसे अभी लास्ट बताया है। फिर आता है SSA, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये आपकी पोस्टिंग होती है, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, ऑफिस जॉब, क्लर्कल वर्क होता है, ऑल इंडिया पोस्टिंग, प्रमोशन चांसेस अच्छे रहते हैं, ठीक है। ये सेक्रेटरीट में मोस्टली पोस्टिंग रहती है। फिर आपका होता है TNCBDT, तो जैसा कि आपको पता है कि टैक्स एक्सटेंसिबिलिटी, और मैंने पूरा प्रमोशन का भी वीडियो बनाया है CBDT में, और जो भी मिनिस्ट्रियल एग्जाम्स के बारे में भी बताया, तो आप चाहो तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर CBEC का भी मैंने प्रमोशन का वीडियो बनाया, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। फिर आपका आता है कंपाइलर का, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, तो ये भी आपकी 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है, मोस्टली आपकी डेली पोस्टिंग होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको अलग से एक पेपर देना होता है स्टेटिक्स का, ठीक है, अगर आपने ये 4 पोस्ट भरी हुई है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ फिर आपका आता है सब इंस्पेक्टर नारकोटिस, ये भी 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेकिन क्या होती है नारकोटिस, ठीक है, जो भी आपकी मैंने बताया नारकोटिस, CBI, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन की जो भी जॉब होती हैं, उनमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें आपको हेक्टिक वर्क रहता है, रेपिटेड होती हैं, थोड़ा सा एक तरीके से आपका थोड़ा वो भी रहता है कि जिसको कहते हैं नहीं, एक रुआब रहता है, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट अच्छी होती है, बट लेकिन हेक्टिक वर्क होता है, आपको साल भर बाद आप प्रॉपर परेशान हो जाओगे, आप अगर आप एक फैमिली पर्सन है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बताई, जो अगर कोई भी फीमेल स्टूडेंट है वो आप इस अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस फॉर्म आप भर सकती हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो भी डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं, उनके वीडियोज़ मैंने चैनल पर अपलोड किए, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इसके साथ ही साथ मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।